हेलो भैया। हाँ आशीष, मैं कई बात पूछनी थी, आप हेल्प करोगे? बता। जैसे अभी मैं 15-16 साल का हो रहा हूँ तो मेरे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है किसी के साइड। देख, पहली बात तो ये अच्छी कि तेरे को इस बात का एक्सेप्टेंस है कि ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि 90% बच्चों को तो आज तक यही बात नहीं समझ में आती कि हमारे अंदर शरीर के अंदर होने क्या लग जाता है सडनली जब हम 14-15 साल के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, तेरे अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं, हर इंसान के अंदर होते हैं जब वो टीनेज में आता है। नाउ वंस यू एक्सेप्टेड कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या? अभी तेरी क्या एज है? 15-16 साल। पढ़ाई की एज है तो पढ़ाई पे ध्यान दे। साथ के साथ साथ तेरे को लड़कियों से बात करना अगर अच्छा लगता है, उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो बीच बीच में एज फ्रेंड्स उन्हें ट्रीट कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पे एक रिलेशनशिप को वहाँ मत लेके जाना या उस लेवल पे मत ले जाना जहाँ से तू वापस नहीं आ सके, ठीक है? ट्रीट देम एज योर फ्रेंड्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। कुछ साल हैं, निकल जाएंगे।